हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ के हम सुबह की सैर पर चलेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ घूमने। उठो उठो बेटो, जय श्री कृष्णा। उठो छोटू, उठो छोटू छोटू। उठो छोटू, जय श्री कृष्णा बिट्टू। चलो उठ जाओ, चलो घूमी घूमी चले। चलो कपड़े चेंज कर लो, घूमने चलेंगे। क्या देखा आपने अभी? क्या देखा? चमगादड़ देखा छोटू। छोटू आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ पर? किसके पास? लहसुन के पास। वहाँ अपना खेत है क्या? अभी हल्का हल्का सा उजाला हो चुका है, बट दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। तो मैंने कैमरे की लाइट चालू की और छोटू और हम निकल गए हैं घूमने के लिए सभी। और इसके बाद थोड़ी देर में अभी उजाला होने वाला है, तो चलिए आप भी हमारे साथ इस सुबह सुबह की सैर पर चलिए, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जब गर्मी का मौसम आता है तब बहुत सारे फल भी मिलते हैं रास्ते में खाने के लिए, तब भी मैं वीडियो बनाऊंगी। देखिए अंधेरे में एक पक्षी है, उसकी आंखें कैसी चमक रही है एकदम। छोटू और ओजस बहुत खुश होते हैं इन्हें देख। छोटू आप कहाँ जा रहे हो? उन्हें सुबह सुबह घूमने आना। बहुत ठंडी अच्छी हवा चलती है, एकदम शुद्ध हवा। रात को अच्छी बारिश हुई थी, तो रास्ते पे भी देखिए गड्ढों में जो है पानी भरा हुआ, और छोटू और ओजस आगे आगे जा रहे हैं। तो देखिए अब अच्छा थोड़ा उजाला हो चुका है और हम करीब घर से 1 किलोमीटर दूर तक आ गए हैं। हम यहाँ से जो है करीब 2 किलोमीटर दूर डेली हम जो है घूमने जाते हैं। रोज़ ही कोशिश करते हैं कि रोज़ जा पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जा पाते, वरना हम डेली ही घूमने जाते हैं सुबह की सैर पर। छोटू और ओजस अभी दौड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर खेत में से पानी बहते हुए जा रहा है। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो जगह जगह पर जो है पानी भर गया। यहाँ भी देखिए कितना सारा पानी ही पानी हो गया है, सब दूर पानी ही पानी है। अभी रास्ते में हमारा एक छोटा खेत है, वहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं। उसके बाद हम और थोड़ी दूर जाएंगे दूसरे खेत पर हमारे। हमने यहाँ बोई थी। क्या बोई थी छोटू? हमने बोई थी। तो क्या बोई थी? ये क्या चीज है? कुत्ते। क्या बोए थे? कुत्ते के अंदर भुट्टे बोए थे। अब तो खत्म हो गए, अपना खेत भी खाली हो गया। देखो ये इसमें कितने सारा कचरा पड़ा है, इसे हमें बिनना पड़ेगा बेटू आज आके। ओजस एक्सरसाइज करते हुए जा रहे हैं। ओजस को घूमना कैसा लगता है? अच्छा, और छोटू को कैसा लगता है घूमने आना? ओजस क्या कर रहे हो? क्या छोटू आपको कैसा?
अब छोटू भी दौड़ रहा है दीदी के पास जा रहा है। बस थोड़ी देर में हम बस खेत पर समझ लो पहुंच ही गए हैं। अभी हम खेत पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये हमारे लहसुन का खेत है, लहसुन बोई थी जो हमने, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था। अभी उगने लगी है एकदम छोटी छोटी सी। और ये जो है हमारे यहाँ जाम का पेड़ है, इस पे जब जाम लगते हैं तो बहुत ही मीठे हैं इसके जाम। तो सुबह सुबह हम यहाँ तक करीब 2 किलोमीटर तक घूमने आते हैं। अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, चलना फिरना घूमना हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी बारिश का मौसम है, सब तरफ हरा भरा है। और देखिए अभी सूर्य निकल आया है, अच्छे से उजाला भी हो गया। और अब हम यहाँ से वापस से रिटर्न हो चुके हैं। अब हम वापस से घर की तरफ चल दिए हैं। अब अच्छे से उजाला हो गया, अब अच्छे से क्लियर दिखाई देगा सब कुछ आपको। कुछ पक्षी भी दिखाई देंगे और कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने क्लिक की हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं, जो कि मैं एंड में लगा दूंगी, तो देखिएगा। आज मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। तो देखिए ये मोर के बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं ये। तो आप भी अपने बच्चों को उठाइए, जल्दी उठाइए, उन्हें आदत डालिए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पहले ओजस नहीं उठता था, छोटू तो शुरू से ही उठ के हमारे साथ चलने में एकदम एक आवाज़ में ही उठ जाता है। ओजस थोड़ा नाटक करता था, पर अब वो भी उठता है, वो देखता है इन सबको, पक्षियों को। हम उसे बोलते हैं वहाँ पर ये चीज़ खाएँगे, जाम खाएँगे, तो वो बहुत खुश होता और जाता है। तो धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी। और अपने बच्चों को भी इसी तरीके से सुबह घुमाने ले जाइए, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह घूमना। और कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए हैं जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मेरा एक और चैनल है स्टिचिंग का, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।